खबर यूपी के जनपद चंदौली से है, जहां अघोराचार्य बाबा सिद्धार्थ राम गौतम अघोर पीठ बाबा कीनाराम क्रीम कुंड वाराणसी के निर्देशन में महाशिवरात्र के इस पावन पर्व पर राजा बाजार धरौली स्थित बाबा कीनाराम अघोराचार्य सर्वेश्वरी समूह आश्रम की तरफ से 27वां अस्थि कलश स्थापना दिवस के अवसर पर महाशिवरात्रि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुबह 10 किलोमीटर लंबी प्रभात फेरी निकाली गई। श्रद्धालुओं ने प्रभात फेरी निकाला, लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालु भोर से ही इकट्ठा हो गए थे। शिवरात्र के त्यौहार को लेकर शनिवार को श्रद्धालु भगवान शिव के उद्घोष भजनों के साथ प्रभात फेरी रवाना हुई। प्रभात फेरी आश्रम से शुरू की गई। शिव की जय जयकार, डीजे के साथ दिखे हाथों में झंडे, बैनर, पोस्टर लेकर चल रहे थे। साथ ही लोगों में उत्साह देखने को मिला। वहीं कार्यक्रम सर्वेश्वरी समूह के मंत्री ने बताया, जन कल्याण हित के लिए युवाओं को आगे आना होगा। सायंकाल शिव बारात निकाली जाएगी। वहीं प्रभात फेरी में बच्चों युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। प्रभात फेरी निकाली गई है, कैसा कार्यक्रम रहा, क्या है? आज से 27 वर्ष पूर्व आज ही के दिन महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अघोराचार्य महाराज श्री बाबा अवधूत भगवान राम जी का अस्थि कलश की स्थापना हुई थी और माँ मैत्रायणी जोगिनी के अस्थि कलश की स्थापना हुई थी। और हम लोग इस वर्ष 27वां अस्थि कलश स्थापना समारोह मना रहे हैं और हमारा कार्यक्रम प्रातःकाल सभी युवकों ने प्रभात फेरी मोटरसाइकिल यात्रा निकाली। इसके बाद ठीक यहाँ 10 बजे रुद्राभिषेक किया जाएगा। 12 बजे जो है जिंगना नर्सरी विद्यालय के बच्चों द्वारा यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और 4 बजे से बनारस के कलाकारों द्वारा शिव बारात शोभा यात्रा निकाली जाएगी और 2 बजे यहाँ गोष्ठी का आयोजन होगा जिसमें विद्वान जन अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। आज का पूरे दिन का यही कार्यक्रम है। परम पूज्य अघोरेश्वर महाप्रभु और पीठाधीश्वर बाबा कीनाराम स्थल क्रीमकुंड बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी के निर्देशन में यह संपूर्ण कार्य संपादित हो रहा है। जिन नौजवानों ने प्रभात फेरी में भाग लिया या संपूर्ण कार्यक्रमों को जो कल से ही रात भर इसको सजाने में यहाँ के पवित्रता को बनाए रखने में जो सहयोग दिया, इसके लिए मैं सभी युवा साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। अपने आश्रम के तरफ से बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, आज जो देश काल चल रहा है, जो देश में विषम परिस्थितियाँ हैं, इस विषम परिस्थितियों में हमारे नौजवानों को अच्छी प्रेरणा दें, उन्हें शक्ति दें और नौजवानों से भी कहूँगा कि वे अपनी निजी उपलब्धियों के साथ साथ अपने चरित्र पर ध्यान दें, तभी हम इस देश की खोई हुई भारतीय संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठापित कर सकते हैं।